Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important concept that is legal protection to consumers. Students, this video is an extended part of my previous video, which is related to the concept of consumer protection. So, student in my previous video we told you that consumer protection is all about protecting the interest of the consumers. Student, this consumer protection is not only beneficial for customers, but it is equally important for businessman too so students in order to safeguard the interest of the customers government of india provided several laws and legislations to protect the consumers against the exploitative trade practices prevailing in the market so student in indian legal framework there are number of uh, regulations which provide protection to consumers

द एक्ट प्रोवाइड सेफ गार्ड्स टू कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स डिफिशेंट सर्विसज अनफ़ेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ देयर एक्सप्लॉटेशन सो स्टूडेंट बेसिकली ये एक्ट जो है वो कंज्यूमर को सेफ गार्ड करता है डिफेक्टिव गुड्स से अगर कोई भी मैन्यूफेक्चर या कोई भी कंपनी आपको डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड करती है कुछ ऐसे गुड्स प्रोवाइड करती जिसमें कुछ ना कुछ डिफेक्शन है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग है या कोई भी डिफेक्ट है तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अगेंस्ट जो है ये आपको एक्ट सेफ प्रोवाइड करता है अगर कोई भी कंपनी डेफिशेंट सर्विसेज आपको देती है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बाटा कंपनी का एक्ट बताया था बाटा कंपनी का केस स्टडी बताया था उसमें बाटा कंपनी ने शूज़ जो हैं वो दिए थे और उसके लिए कैरी बैग का चार्ज लिया था सो बेसिकली स्टूडेंट इट वॉज़ अ डेफिशिएंट सर्विस इसी के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन ने इस एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल की थी सो so ऐसी अगर कोई एक्टिविटी कोई कंपनी करती है तो उनसे सेफ करता है ये एक्ट या अगर कोई कंपनी कोई और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती है जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग या और किसी टाइप के एक्सप्लाइटेशन करते हैं तो उन सारी एक्टिविटीज से सेफ करने के लिए यह एक्ट जो है वो बनाया गया था स्टूडेंट द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ अ थ्री टायर मशीनरी कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एक्ट में थ्री टायर मशीनरी का सेटअप किया गया था डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन मीन्स स्टूडेंट ये पर्टिकुलर थ्री टायर मशीनरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी थी स्टेट कमीशन पे भी स्टेट लेवल पे भी थी और नेशनल लेवल पे भी थी स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थ्री टायर मशीनरी आई विल टीच यू फर्दर इन माय नेक्स्ट वीडियो ओके स्टूडेंट इट दिस पर्टिकुलर एक्ट प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड एट द एपेक्स लेवल सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का भी फॉर्मेशन करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर भी कंज़्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सो स्टूडेंट दिस पर्टिकुलर एक्ट इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनादर एक्ट दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाइनटीन एटी टू सो स्टूडेंट द एक्ट लेज डाउन द कंडीशन इन विच द प्रोमिसज मेड बाई पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ईच अदर सो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पज़ ये था कि कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी प्रोमिस लिखे हैं वो दोनों ही पार्टीज़ को फुलफ़िल करने होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट अगर हम कोई जॉब करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं वो दोनों ही पार्टीज़ को फुलफ़िल करनी होती हैं द एक्ट ऑल्सो इस्पेसीफाइज़ द रेमिडीज़ अवेलेबल टू पार्टीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो स्टूडेंट अगर कोई भी पार्टी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करता है या कोई भी ऐसा प्रोमिस जो उसमें लिखा है वो उसको तोड़ता है तो आप इस पर्टिकुलर एक्ट में जा कर के अपनी कंप्लेन फाइल करते हैं और ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो रेमिडीज़ बताता है कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है या कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी अगेंस्ट करती है तो आपको क्या रेमेडीज मिलेंगी या क्या पेनाल्टी पड़ेगी वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एक्ट में लिखी होती हैं ओके स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर एक्ट इज़ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल लॉ डैट रेगुलेट्स एंड ओवर सी ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज वेर एवर देर इज़ अ केस ऑफ अ डील और एन एग्रीमेंट जहाँ पे भी डील और एग्रीमेंट की बात होती है ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो होता है विद दिस स्टूडेंट अवर नेक्स्ट एक्ट इज़ द सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी सो स्टूडेंट द एक्ट प्रोवाइड सम सेफ गार्ड एंड रिलीफ टू बायर्स ऑफ़ द गुड्स इन केस द गुड्स परचेज डो नॉट कम्प्लाई विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटीज सो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एक्ट का मेन पर्पज़ यही था कि जो कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज कहे हुए हैं एग्जैक्टली exactly उसी कंडीशंस में उसी वारंटीज़ में गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाना चाहिए मीन्स कंपनी को गुड्स और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू कंडीशंस और वारंटी जो भी एक्सप्रेस हैं उसी कंडीशन और वारंटी में गुड्स को कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करता है देन कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट द पार्टी और यू कैन से अगेंस्ट द कंपनी और द मैनुफैक्चर विद दिस स्टूडेंट वी हैव another act that is the essential commodities कमोडिटीज़ 1955 so students essential सो matlab इसेंशल कमोडिटीज़ मतलब ज़रूरत की कमोडिटीज़ जैसे कि आपकी शुगर हो गई सॉल्ट हो गई राइस हो गया व्हीट हो गया एक्सेट्रा सो स्टूडेंट द एक्ट एम्स एट कंट्रोलिंग प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इसेंशियल कमोडिटीज़ सो बेसिकली स्टूडेंट ये एक्ट जो है वो इसेंशियल कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन उसका सप्लाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल किया जाता है दिस पर्टिकुलर एक्ट हेल्प्स इन चेकिंग इन्फ्लेमेटरी ट्रेंड इन दर प्राइजेज़ एंड इंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ सो बेसिकली स्टूडेंट आपके इसेंशियल कमोडिटीज़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो हर इंसान को आपके इसेंशियल कमोडिटीज़ मिले प्लस उनके प्राइजेज़ जो हैं वो बढ़े ना ये सारी चीज़ों को कौन देखता है ये पर्टिकुलर एक्ट देखता है कैसे इसेंशियल कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होना है कितना प्रोडक्शन होना है कितनी सप्लाई होनी है किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है इसेंशल कमोडिटी ये सारी चीज़ें इस एक्ट में देखी जाती हैं द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एक्शन अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोफिटर होल्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग करता है होर्डिंग करता है अपने प्रॉफिट के लिए तो उन सारी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट भी ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो सेफ प्रोवाइड करता है ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर एक्ट दैट इज़ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट नाइनटीन सो स्टूडेंट द एक्ट प्रिस्क्राइब्स ग्रेड स्टैंडर्ड्स फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो एग्रीकल्चरल कमोडिटी और लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट के के लिए ग्रेड और स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है जो भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपके वेजिटेबल्स हो गए फ्रूट्स हो गए आपके या लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो भी हो गए, डेरी प्रोडक्ट्स हो गए तो उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए ये ग्रेड स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करता है द एक्ट स्टिपुलेट्स द कंडीशन विच गवर्न द यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड लेस डाउन द प्रोसीजर फॉर ग्रेडिंग मार्किंग एंड पैकिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो आपको सारे स्टैंडर्ड बताता है और सारे प्रोसीजर बताता है पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर के कैसे उसकी ग्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कैसे ग्रेडिंग होनी है कैसे मार्किंग होनी है कैसे उसकी पैकिंग होनी है इन सारे चीज़ों को लेकर के जो भी कंडीशंस हैं जो भी टर्म्स हैं वो सारे इस पर्टिकुलर एक्ट में लिखे होते हैं ओके okay? द क्वालिटी मार्क प्रोवाइड अंडर द एक्ट इज़ नोन एज एग मार्क अगर आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ये एग मार्क का स्टीकर जो है वो लगाते हैं जब आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो इनके अकॉर्डिंग बना होता है मीन्स आपका ग्रेडिंग आपका मार्किंग आपका पैकिंग इस पर्टिकुलर एक्ट में जो भी लिखा है उसके उसके अंडर बना है उसके तरीके से बना है उस क्वालिटी का बना है तो आप अपने प्रोडक्ट पे एग मार्क जो है वो लगाते हैं ओके विद दिस वी हैव अनदर एक्ट डेट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 फिफ्टी फोर सो स्टूडेंट द एक्ट एम्स टू चेक अडल्ट्रेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड इंश्योर देयर प्योरिटी सो एज टू मेनटेन पब्लिक हेल्थ सो so स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो फूड अडल्ट्रेशन के लिए बना है अगर कोई भी आप फूड आर्टिकल परचेज करते हैं कोई भी फ़ूड प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का कोई अडल्ट्रेशन ना हो कोई भी मिलावट ना हो जिससे कि पब्लिक की हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाए तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो बनाया गया है ये देखता है कि आपके जो भी फ़ूड आर्टिकल्स हैं आपके चॉकलेट्स हो गए आपके चिप्स हो गए आपके ड्रिंक्स हो गए तो उन सारे में कुछ भी कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो जिससे कि पब्लिक हेल्थ जो है वो डिट्रेट हो सो so, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो बनाया गया है विद दिस स्टूडेंट एन एक्ट इज़ द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट मेजरस एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स सो स्टूडेंट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ दोज गुड्स विच आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाई वेट मेजर और नंबर सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो उन गुड्स पे अवेलेबल है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या सोल्ड किए जाते हैं बाय देयर वेट मेज़र और नंबर सपोज़ कीजिए आप एक पैक ऑफ चॉकलेट ख़रीद के लेके आए हैं और उसमें ये लिखा है कि इस पर्टिकुलर पैकेट में ट्वेंटी चॉकलेट्स होंगी और इत्तेफाक से उसमें ट्वेंटी नहीं नाइनटीन चॉकलेट्स होती हैं या एटीन चॉकलेट्स होती हैं देन यू कैन फाइल कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट अगर आप कोई प्रोडक्ट ले के आए हो उस पर लिखा है ये फाइव हंड्रेड ग्राम का है देन इट शुड बी ऑफ फाइव हंड्रेड ग्राम अगर उससे कम का होता है तो कंज्यूमर जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर केस फाइल करता है सो so, बेसिकली ये एक्ट जो है वो देखता है आपके प्रोडक्ट के वेट मेज़र और नंबर को ठीक है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स अगेंस्ट द माल प्रैक्टिस ऑफ अंडर वेट एंड अंडर मेजर अगर किसी भी कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अंडर वेट पैक किया है या अंडर मेज़र पैक किया है तो उन सारी चीज़ों से सेफ गार्ड करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट जो है बनाया गया था जिससे कि कंज्यूमर को इन सारी चीज़ों से सेफ गार्ड किया जा सके ओके विद दिस वी हैव अनादर एक्ट डेट इज़ द ट्रेडमार्क एक्ट नाइनटीन नाइन्टी नाइन सो स्टूडेंट दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज़ रिपील्ड एंड रिप्लेस द ट्रेडमार्क एक्ट मर्केंडाइज मार्क एक्ट नाइनटीन फिफ्टी एट सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट नाइनटीन फिफ्टी एट को रिप्लेस करके आया था एंड द एक्ट प्रिवेंट द यूज़ ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क्स ऑन द प्रोडक्ट एंड दस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स अगेंस्ट सच प्रोडक्ट्स सो बेसिकली स्टूडेंट ये एक्ट जो है वो उन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है उन चीज़ों से बचाता है जो कि फ्रॉडुलेंट मार्क्स से रिलेटेड होते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक पर्टिकुलर जेन्यूइन प्रोडक्ट होता है एक मार्केट में उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है सो so, उस डुप्लीकेट प्रोडक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए यह पर्टिकुलर ट्रेडमार्क एक्ट नाइनटीन बनाया गया था स्टूडेंट मार्केट में जो भी फ्रॉड प्रोडक्ट्स हैं या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या उनको रोकने के लिए या आपके जेन्य प्रोडक्ट्स में और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स में कितना डिफरेंट है उन सारी चीज़ों के लिए ये एक्ट बना था कि आप जो है क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकें जेन्यूइन प्रोडक्ट्स में और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स में आपको कोई जेन्यून प्रोडक्ट की जगह डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना दे दे इन सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोड ये एक्ट जो है वो बनाया गया था विद दिस स्टूडेंट

एंड द एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स इन केस ऑफ प्रैक्टिस एडोप्टई बिजनेस फॉर्म विच हेम्पर कॉम्पटिशन इन द मार्केट सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर प्रोटेक्ट करता है कॉम्पटिशन से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे फेयर कॉम्पिटिशन हो ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो देखता है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट अगर आपका कोई कंपनी है वो पेन मैन्यूफेक्चर करता है और सपोज़ कीजिए उस पेन मैन्युफैक्चर कंपनी के अलावा मार्केट में और कोई भी पेन जो है वो मैन्युफैक्चर ना करता हो सो so, वो जो पर्टिकुलर बिजनेस फर्म है वो आपको किसी भी प्राइस पे पेन जो है वो सेल करेगा बिकॉज उसके पास कोई और उसके साथ कोई और है ही नहीं जो उससे कॉम्पीट करेगा सो यहाँ पर पर्टिकुलर एक्ट जो है वो ये देखता है कि ऐसा कंपटीशन में फेयर कंपटीशन हो मार्केट में ये सारी चीज़ें कंपटीशन एक्ट टू थाउजेंड टू देखता है कि आप जो है वो फेयर कंपटीशन कीजिए मार्केट में कोई भी मोनोपोली मत रखिए बिकॉज अगर आप मोनोपोली रखेंगे मार्केट में तो कंज्यूमर्स को हाई प्राइस पर प्रोडक्ट मिलेगा इसलिए एवरी वन शुड कम इन द पर्टिकुलर मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड तो जो भी कंज्यूमर की नीड है जैसे कंज्यूमर्स पे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो अपने गुड्स और सर्विसेज हैं वो मार्केट में दीजिए देयर शुड बी हेल्दी कॉम्पिटिशन ओके स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव अनादर एक्ट दैट इज सॉरी ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट सो स्टूडेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीन अप अंडर द एक्ट सो स्टूडेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो पर्टिकुलर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के अंदर सेटअप किया गया है एंड द ब्यूरो हैज टू मेजर एक्टिविटीज़ इस ब्यूरो की दो मेजर एक्टिविटीज़ हैं पहली है फॉर्मूलेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर गुड गुड्स का क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका फॉर्मूलेशन करता है स्टूडेंट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली दोज गाइडलाइंस और यू कैन से स्पेसिफिकेशंस और करेक्टिस्टिक्स डैट कैन बी यूज कंसिस्टेंटली टू इंश्योर डैट मटीरियल्स प्रोडक्ट्स प्रोसेस एंड सर्विसेज आर फिट फॉर देयर पर्पस और नॉट सो बेसिकली स्टूडेंट ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कुछ ऐसी करेक्टिस्टिक्स होती हैं या कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए या मटेरियल के लिए या प्रोसेस के लिए या सर्विसेज के लिए फ़िट हैं कि नहीं हैं ये सारी चीज़ें इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड में लिखी होती हैं एंड देयर सर्टिफिकेशन थ्रू बी आई एस सर्टिफिकेशन स्कीम और अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो भी है उसके अंदर बना है तो उसमें आपको कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन स्कीम का भी यहाँ पे बताया गया है सो so बेसिकली आपका जो ब्यूरो है उसमें दो एक्टिविटीज़ आती हैं पहला क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है गुड्स का वो फॉर्मुलेट करना और उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो भी कोई पूरा कर लेता है उनको बी आई एस सर्टिफिकेशन स्कीम प्रोवाइड करना ये दो एक्टिविटीज जो हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में की जाती हैं विद दिस स्टूडेंट मैन्युफैक्चरर्स आर परमिटेड टू यूज़ द आई एस आई मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट द गुड्स कन्फर्म टू द प्रिस्क्राइब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सो स्टूडेंट मैन्युफैक्चरर्स को आई एस आई मार्क जो है अपने प्रोडक्ट पर तभी लगाने को दिया जाता है जब उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो भी इनका है उसके अंदर बने हैं अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड इनके अकॉर्डिंग का अगर नहीं होता आपका प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी वो ऐसी नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट में इस पर्टिकुलर लॉ में लिखी है तो आपको आईएसआई मार्क जो है वो यूज़ करने नहीं दिया जाता है ओके okay? द ब्यूरोज ऑल्सो सेटअप अ ग्रीवें सेल वेयर द कंज्यूमर्स कैन मेक अ कंप्लेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैरियंग द आई एस आई मार्क सो स्टूडेंट्स अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उस पर आई एस आई मार्क है बट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी में आपको प्रॉब्लम आ रही है डैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी का नहीं है उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का आपने कहा था और उस पर आई एस आई मार्क भी है दिस मीन्स यू आर चीटेड तो आप इस पर्टिकुलर ग्रीवेंस सेल में जो कि इस एक्ट में प्रोवाइड की गई है उस पर्टिकुलर ग्रीवेंस सेल में जा कर के अपनी कंप्लेट जो है वो फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी और अगेंस्ट द मैन्यूफेक्चरर सो बेसिकली स्टूडेंट जो भी मैन्यूफैक्चरर आपको क्वालिटीड प्रोडक्ट बनाता है उस वो अपने प्रोडक्ट पर आई एस आई मार्क जो है वो लगाता है और अगर आपके प्रोडक्ट पर आई एस आई मार्क है और आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बना है तो आप इस पर्टिकुलर ग्रीवेंड सेल में जा कर के उस कंपनी और उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर सकते हैं स्टूडेंट ये जो भी हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स पढ़ाए हैं वो बेसिकली इसलिए पढ़ाए हैं जिससे कि आपको इन सब एक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए बेसिकली ये क्वेश्चंस जो हैं वो वन मार्क्स में पूछे जाते हैं मे बी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना है या किस सन में बना है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो स्टूडेंट्स प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स रीड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर बुक एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देन प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज टू मी एंड स्टूडेंट्स इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक माई वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके थैंक यू